हिस्सा रोका। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जुबानी वार पलटवार में। तीसरे चरण के एक दिन पहले बांदा में अमित शाह की हुंकार देखने को मिली। बांदा में चुनाव प्रचार के दौरान अमित शाह ने यूपी के विकास की बात करते हुए बीजेपी के कार्यों का बखान किया। इसके साथ ही अमित शाह ने यूपी में गरीबों को लेकर विपक्ष पर जमकर निशाना साधते हुए कहा, कांग्रेस सपा गरीब हटाने की बात करती थी लेकिन कुछ नहीं हुआ। पहले और दूसरे चरण में सपा और बसपा का सुपड़ा साफ। पहले और दूसरे चरण में 300 सीटों की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नींव डालने का काम किया है और तीसरे और चौथे चरण में ये वीर बुंदेलों की भूमि बुंदेलखंड ने इस पर 300 सीटों की सरकार की इमारत बनानी, पूरे उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान दिलाने का काम किया है। अभी कुछ दिन पहले अखिलेश बाबू पूछ रहे थे कि योगी की बात तो कर रहे हैं मगर क्या सुधार हुआ। अखिलेश बाबू, जिनकी आंखों पर पीला चश्मा होता है ना, इसको सब पीला ही पीला दिखाई पड़ता है। आपको मालूम नहीं पड़ेगा, जाकर पूछिए किसी माँ बहन को, किसी बेटी को कि उत्तर प्रदेश में उसकी सुरक्षा बढ़ी है या नहीं बढ़ी है। वो जरूर बताएगी कि अब उत्तर प्रदेश में माताएं बहनें सुरक्षित है। डकैती में 72% की कमी आई है, लूट में 62% की कमी आई है, हत्या में 31% की कमी आई है, बलात्कार में 50% की कमी लाने का काम भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया है। मित्रों, उत्तर प्रदेश में कल तीसरे चरण के लिए वोटिंग की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इस बीच तीसरे चरण का प्रचार तो पहले ही थम चुका है लेकिन सियासी दिग्गज चौथे चरण के प्रचार में जुटे हुए हैं। बीजेपी के तमाम दिग्गज चेहरे उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं। इसी कड़ी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यूपी के गोंडा जिले में प्रचार के लिए पहुंचे। रैली में अपने संबोधन के दौरान राजनाथ सिंह ने न सिर्फ उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के विकास से कार्यों की उपलब्धियां गिनवाई बल्कि विपक्ष पर भी करारा प्रहार किया। उत्तर प्रदेश में भी 2 चरणों के चुनाव हमारे संपन्न हो चुके हैं। 2 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और राजनीतिक विश्लेषकों ने यह बतलाया है अपने विश्लेषण के आधार पर, सर्वेक्षण एजेंसियों का भी यह कहना है कि 2 चरणों के जो विधानसभा के चुनाव अब तक उत्तर प्रदेश में संपन्न हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी को कमोबेश उतने ही सीटों पर कामयाबी प्राप्त हो रही है जितनी सीटों पर 2017 के विधानसभा चुनाव में कामयाबी हासिल हुई थी। केंद्र में आपने हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को काम करते हुए देखा है आपने, और प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री के रूप में अपनी भूमिका निभाते हुए आपने देखा। बहनों भाइयों, इतनी बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं, भारत ही नहीं दुनिया की जो सर्वेक्षण एजेंसियां हैं वह भी कामकाज की समीक्षा करने के बाद, सभी राज्य सरकारों के कामकाज की समीक्षा करने के बाद इस नतीजे पर पहुंची हैं कि बहनों भाइयों, हिंदुस्तान में सबसे अच्छी सरकार चलाने वाली यदि कोई राजनीतिक पार्टी है तो उस राजनीतिक पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। मेरे बहनों भाइयों, आपका भारत अब यह कमजोर भारत नहीं है, आपका भारत अब यह दुनिया का ताकतवर देश बन चुका है। पहले अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता था, दुनिया गंभीरतापूर्वक हमारी बातों को नहीं सुनती थी। कहते थे लोग, भारत है, बोल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बोलने दीजिए। आज यदि भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता है तो सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। देखा नहीं आपने? 2017 में मैं भारत का गृह मंत्री था, पाकिस्तान के कुछ आतंकवादियों ने आकर कश्मीर में, उरी और पुलवामा में हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों के ऊपर कायराना हमला कर दिया। कई हमारे जवान शहीद हुए। उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री ने हम 2-3 लोगों को बुलाकर 10 मिनट के अंदर फैसला कर दिया और उसके बाद हमारे बहादुर सेना के जवानों ने पाकिस्तान की धरती पर जाकर सर्जिकल स्ट्राइक। उत्तर प्रदेश के तीसरे चरण के मतदान में कुछ ही घंटे बाकी हैं। प्रचार का शोर थम चुका है और अब कई दिग्गजों की साख दांव पर है। इस बीच चौथे चरण के लिए चुनाव प्रचार तेज हो गया है। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस बीच सुल्तानपुर में जनसभा को संबोधित किया। जब मैं विचारों की पार्टी कहता हूं तो याद कीजिए, सारे राजनीतिक दल देश की एकता की बात करते हैं लेकिन धारा 370 के खिलाफ वोट डालते हैं सारे। और ये भारतीय जनता पार्टी है जो कहती है एक देश में 2 निशान 2 विधान 2 प्रधान नहीं चलेंगे। और मोदी जी की इच्छा शक्ति और गृह मंत्री अमित शाह की रणनीति ने धारा 370 को धाराशाही कर दिया, ये भी आपको याद रखना चाहिए। बताइए, सदियों से आप राम जन्मभूमि की बात करते थे, सदियों से। कभी किसी ने सोचा, कभी किसी ने सोचा, अन्य पार्टियां क्या करती रही? बताइए, समाजवादी पार्टी ने राम भक्तों पर गोली चलाई थी कि नहीं चलाई थी? बताइए, कांग्रेस पार्टी ने यही राम जन्मभूमि को अटकाया था, भटकाया था, लटकाया था कि नहीं? कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में बोलते थे कि इसका फैसला न होने दो, इसका फैसला होगा, इसको अटका दो, इसका फैसला हो जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो जाएगा। अरे, भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनना था, तुम बीजेपी का फायदा नुकसान देख रहे थे, तुम लटका रहे थे। आजकल ये दीगर बात है कि राजनीति में तुम लटक गए और भटक गए, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में अब भव्य राम मंदिर वहां बन रहा है, ये भी हमको याद। यूपी के चुनावी माहौल में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। अनुराग ठाकुर ने कहा कि आतंकवाद की जब बात आती है तो भाजपा जीरो टॉलरेंस रखती है, वही समाजवादी पार्टी का रुख सहयोगवा हो जाता है। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि अहमदाबाद ब्लास्ट के दोषियों के तार सीधे सपा नेताओं से जुड़े हैं। आदेश के बाद भी सपा नेता और पार्टी की तरफ से कोई बयान नहीं आया। न्यायालय की हाल ही में आई जजमेंट का हम स्वागत करते हैं, भारतीय जनता पार्टी स्वागत करती है, जिसमें 49 लोगों के खिलाफ सजा सुनाई गई, 38 आतंकियों को फांसी की सजा, 11 को ताउम्र जेल में रहने के लिए सजा सुनाई गई। ये तब हो पाया जब गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे। ब्लास्ट होने के बाद सारी एजेंसीज का ये कहना था कि मुख्यमंत्री, उस समय के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी घटनास्थल पर ना जाएं, लेकिन मोदी जी घटनास्थल पर भी गए, पुलिस कमिश्नर के दफ्तर भी गए, घायलों को देखने अस्पताल भी गए और यहीं पर रुके ही नहीं, आतंकवाद की कमर तोड़ने के लिए मोदी जी की मुहिम लगातार चलती रही। SIT का गठन हुआ, मात्र 19 दिनों के अंदर आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई की गई, पकड़ा गया, केस सॉल्व हुआ और उसके लिए जो कुछ भी करना था, सबूत पहुंचाने तक, आतंकवादियों को पकड़ने तक, मोदी जी की सरकार ने उस समय भी काम किया। आज भी आतंकवाद को जड़ से मिटाने के लिए मोदी जी की सरकार वचनबद्ध है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में पार्टियों का एक दूसरे के खिलाफ जुबानी वार जारी है। वहीं चुनावी माहौल में अब आतंकी और आतंक पर सियासत गरमाई हुई है। दरअसल बीते दिन अहमदाबाद धमाके मामले में कोर्ट ने 30 दोषियों को सजा सुनाई थी। वहीं बीजेपी ने दोषियों का समाजवादी कनेक्शन ढूंढकर तंज कसना शुरू कर दिए हैं। आज पीलीभीत में चुनावी रैली के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। शानदार रामलीला मैदान आपको दे दिया है कि अब रामलीला ही नहीं, हर प्रकार के धार्मिक और सार्वजनिक कार्यक्रम, मांगलिक कार्यक्रम इस रामलीला मैदान में करेंगे। अगली बार इसकी सुंदरीकरण और भी अच्छे ढंग से आपको देखते हुए बनेगी। ये कहने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। पिछली सरकारों में भाइयों बहनों, अन्नदाता किसान आत्महत्या करता था, गरीब भूख से मरता था, जंगल राज की स्थिति थी, अपराधी सत्ता पर हावी होकर के थानों का संचालन हिस्ट्री शिकार करते थे, व्यापारी तबाह था, नौजवान बेरोजगार था, चारों ओर अराजकता का वातावरण 2017 के पहले था। भाइयों बहनों, आप देख सकते हैं फर्क साफ है। 2017 के पहले जो सरकार थी, याद करिए, कल अहमदाबाद की एक न्यायालय ने अहमदाबाद के सीरियल ब्लास्ट में 38 आतंकवादियों को सजा दी, उसमें से फांसी की सजा भी दी गई, आजीवन कारावास की सजा भी दी गई। और भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश के भी उसमें से कुछ आतंकी थे और उनमें से एक आतंकवादी का परिवार तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ समाजवादी पार्टी को वोट मांगते हुए देखा है आपने। समाजवादी पार्टी का प्रचार कर रहा है। आप अनुमान कर सकते हैं सपा नई हवा है, वही सपा है। सपा का हाथ साथ, यानी सपा का हाथ आतंकवादियों के साथ, ये एक बार फिर से साबित हो गया। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए 20 फरवरी को मतदान होने हैं। इससे पहले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने लखनऊ में प्रेस वार्ता करके कहा कि अखिलेश अपनी कर्मभूमि कन्नौज से, जहां वह सांसद रहे, उनकी पत्नी भी सांसद रही, वहां से चुनाव न लड़के करहल से चुनाव लड़ रहे हैं। अपनी कर्मभूमि छोड़कर अपने सैफई खानदान पर विश्वास करके करहल पहुंचे और करहल में भी करा रहे हैं। यानी समाज के उत्तर प्रदेश में उनको लगता है न किसी जात पर भरोसा था, यहां तक कि मुसलमानों पर भी भरोसा नहीं था। वह सीट और कोई चयन कर सकते थे, लेकिन कन्नौज अपनी कर्मभूमि छोड़कर सांसद रहे, पत्नी भी सांसद रही, और कन्नौज को छोड़कर वो करहल में पहुंचे हैं। लेकिन जनता उनको नकार देगी और भारतीय जनता पार्टी अपने विकास के आधार पर, अपने कार्य के आधार पर और आदरणीय मोदी जी की तप तपस्या, जो त्याग है जनता के बीच में, पहली बार इस प्रकार का पॉलिटिकल क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में नेता के रूप में जो गरीबों की सेवा, नहीं कहा जाए कि राजनीतिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र से में समाज का सम्मान बढ़े, तो दुनिया में ये पहला ऐसा लीडर है कि दिव्य और भव्य कुंभ में भी स्वच्छता कर्मी का पैर धोने का काम करते हैं। और कोरोना महामारी में काशी विश्वनाथ के कॉरिडोर में काम करने वाले मजदूरों के साथ भोजन करते हैं और काशी वासियों को तकलीफ न हो तो 12 बजे रात को निकलकर कार्य का निरीक्षण करते हैं। ऐसा जहां एक और तीसरे चरण की वोटिंग कल होनी है, वहीं अब सभी दिग्गज चौथे चरण की तैयारियों में जी जान से जुट चुके हैं। इसी कड़ी में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ताबड़तोड़ रैलियां की। आज अखिलेश यादव पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर और हरदोई के दौरे पर रहे, जहां जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्षियों पर जमकर निशाना साधा। ये जो उत्साह और जोश दिखाई दे रहा है, ये जोश और उत्साह बता रहा है कि आपको पहले और दूसरे चरण में जो वोट पड़ा है उसकी जानकारी है, और तीसरे चरण में भी जो वोट पड़ने जा रहा है उसकी भी आपको लगभग जानकारी हो गई होगी। हालांकि पहले दूसरे चरण में ही समाजवादी पार्टी और गठबंधन ने शतक लगा दिया है, और मुझे पूरा भरोसा है तीसरे और चौथे चरण का जब मतदान होगा तो एक और सेंचुरी यहां से लग जाएगी। इसका मतलब ये है कि चौथा चरण जब खत्म होगा, गठबंधन को, समाजवादी पार्टी और गठबंधन को यहां की जनता पूरा बहुमत दे चुकी होगी, और न जाने कितने लोगों को हमने, आपने, परिचित लोगों ने खोया होगा। यहाँ जितने लोग मौजूद हैं, इन्होंने देखा होगा मजदूर कैसे चल करके आए थे जब लॉकडाउन लगा था। बेचारे, उनके लिए कोई इंतजाम नहीं किया सरकार ने। पैदल 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 वो पहुंचे, घरों गए, कोई सरकार ने इंतजाम नहीं किया उनका। और उसके बाद जब कोरोना की बीमारी आई, जिस समय जरूरत थी कि लोगों को दवाई मिल जाए, अस्पताल में बेड मिल जाए और सांसों के लिए जो सबसे जरूरी चीज है ऑक्सीजन मिल जाए, लेकिन ये सरकार ऑक्सीजन भी नहीं दिला पाई, और इसने, सरकार ने हमारे गरीबों को अनाज छोड़ने का काम किया। जिस समय सबसे ज्यादा सरकार को मदद करनी चाहिए थी, उस समय हमारे गरीबों को अनाज छोड़ने का काम किया। न जाने कितने लोगों के परिचित लोग बीमार हुए होंगे और बहुत सारे लोगों की जान भी चली गई होगी। हमें और आपको सावधान रहना पड़ेगा। चुपके से ये कोई भी कानून ले आएंगे। इसलिए किसान भाइयों, हमें अपनी जमीन बचाने के लिए, हमें अपनी खेती बाड़ी बचाने के लिए, हमें कम से कम अपनी मेहनत की कीमत मिल जाए, फसल की सही कीमत मिल जाए, उसके लिए और भविष्य में हम अपने के लिए मतदान होना है। वहीं चौथे चरण के लिए प्रचार का बिगुल बज चुका है। रैली की नुक्कड़ सत्य है, आप नहीं बताते कि महिलाओं के लिए आपने क्या किया। कोई ऐसी चीज है कि भाई ये, इसकी तो जगह ही नहीं रही हमारे देश में। ये क्या बात हुई? यही ये एक लौता देश होगा पूरी दुनिया में जिसकी जो स्वतंत्रता संग्राम था इतने आदर्शों पे लड़ा, और बिल्कुल बगैर किसी हिंसा के, अहिंसा से लड़ा। तो ये आप कैसे पूछ सकते हैं कि इस देश में ऐसी राजनीति सफल होगी कि नहीं? जरूर होगी। बीजेपी शासन में मैंने फर्क ये देखा कि रायबरेली को तो पूरी तरह से नकारा गया, क्योंकि यहाँ पे जो भी हमने प्रोजेक्ट शुरू किए थे, चाहे वो एम्स हो, चाहे कोई और प्रोजेक्ट शुरू हो, तो सबसे पहले तो ये उनको बंद करने का काम किया गया। दूसरी बात, रायबरेली की जनता को नकारा गया। तीसरी बात, जो महंगाई है, जो बेरोजगारी है, जो किसानों की समस्या है, वो हद से ज़्यादा बढ़ी। आप मुझसे मत पूछिए, आप कहीं भी जाके किसी भी दुकानदार से पूछ लीजिए, किसी भी किसान से पूछ लीजिए, किसी भी नौजवान को पकड़ के पूछ लीजिए कि भाई तुम्हें रोजगार मिला। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों के लिए बसपा प्रमुख मायावती ने अम्बेडकर नगर के अकबरपुर से सटे पवित्र शिव बाबा परिसर में जनसभा को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए मायावती ने बीएसपी की नीतियों को जनता के सामने रखा और मौजूदा सरकार पर जमकर हमला बोला। ये चुनाव उत्तर प्रदेश की सभी विधानसभा की सीटों पर अकेले अपने बलबूते पर ही पूरी तैयारी वह दमदारी के साथ यहाँ सन 2007 की तरह ही फिर से अपनी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए लड़ रही है, ताकि आपको वर्तमान में भाजपा के चल रहे जातिवादी, संकीर्ण, अहंकारी व तानाशाही वाले शासन से मुक्ति मिल सके, जहाँ लोगों का किसी भी प्रकार से शोषण व उत्पीड़न आदि नहीं होने दिया जाएगा, जैसा कि वर्तमान भाजपा सरकार में हो रहा है। खासकर कानून व्यवस्था को बेहतरीन बनाने के लिए विशेष अभियान के तहत व दलगत राजनीति से ऊपर उठकर यहाँ गुंडों, बदमाशों, माफियाओं व अन्य आपराधिक एवं अराजक तत्वों को भी जेल की सलाखों के अंदर भेजा जाएगा, जहां मेरी सरकार में इनकी जेल के बाहर नहीं बल्कि जेल के अंदर ही सही जगह होती है। इतना ही नहीं बल्कि वर्तमान भाजपा सरकार ने जाति, धर्म व राजनीतिक द्वेष की भावना के तहत जिन लोगों को खासकर धरना प्रदर्शन आदि के नाम पर जबरदस्ती गलत धाराओं में फंसा के उन पर अनेकों केस चलाए हुए हैं, तो उन मामलों की भी सही से जांच करा के उनके केस भी खत्म कर दिए जाएंगे। ये चुनाव हमारे खास कार्यक्रम जुबानी वार पलटवार में इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच, साहस, सरोकार।